तो आज हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। पहली चीज तो कोई सेल्स नहीं है कि भाई आपको कोई सेल वगैरह करनी है, आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है या आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हो। अदर देन दैट आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, यू कैन वर्क एट योर ओन शेड्यूल, अपने हिसाब से जितना काम करोगे उसके हिसाब से पे आउट होने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अदर देन दैट हम लोगों ने ऑलरेडी सारे मटेरियल, सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, सारे इंटरव्यूज बना के रखे हुए हैं। आपको वो सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है कि कहाँ से आपको जाना है, देखना है और सीखना है कि हाँ भैया कैसे इसमें काम होता है, क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड आपको ये भी पता चलेगा, डायरेक्ट मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं जिसके थ्रू आपको लाइक इन दैट ऑल द डिटेल्स विल बी देयर, सारी डिटेल्स रहेंगे एंड उस जॉब के बारे में, उस डिटेल्स के बारे में, उस फॉर्म में हर एक चीज लिखा रहेगा एंड डेफिनेटली आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है ना, फॉर्म आउट ऑफ हो जाता है, मतलब लास्ट डे एंड हो जाता है, तो आपको एक लिंक ऐसा दे रहा हूँ जहां पे आपको अपडेटेड फॉर्म आता रहेगा, लाइक जो अपडेटेड फॉर्म है वो आता रहेगा। तो भाई वो सारी चीजें आपको इस वीडियो मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डेफिनेटली लाइक कमेंट कर देना, दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस कि आप भैया लाइक कमेंट करते हो, हमारे लिए ग्लूकोज है वो, और हम लोग ऐसी एनर्जी के साथ आगे वीडियोस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहेंगे। जस्ट आप लोग कमेंट करके बता देना किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप किस ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हो, या आपको वर्क फ्रॉम जॉब चाहिए, नहीं चाहिए, और भी जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है बट और भी बढ़िया बढ़िया, जैसे एनालिस्ट की बहुत ढेर सारी जॉब रोल्स निकल रहे हैं अभी जो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है बट बहुत अच्छे अच्छे शहर में है, तो भैया वो भी आप कमेंट करके बता देना। हम लोग लेकर अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे, मटेरियल्स भी लेकर आएंगे पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे टेली एसोसिएट फ्री लिस्टेड सेलर कंटेंट एंटरटेनमेंट, दैट इज द रोल नेम, टेली एसोसिएट का नाम है। जैसे आप कॉलिंग वॉलिंग का काम करने वाले हो एंड कस्टमर्स को हेल्प करने वाले हो एंड आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, फ्री लिस्टेड सेलर कंटेंट एनरिचमेंट, ठीक है, मतलब आप लिस्ट वगैरह के ऊपर काम करने वाले हो, मेरे को रोल से वो समझ में आ रहा है। एंड ये रिमोट जॉब है, आप कहीं से भी रिमोटली, मतलब वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी काम कर सकते हो, डजंट मैटर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, अपने अकेले आपको काम करना, ऐसा नहीं कोई टीम होगी, कोई लोग होंगे, आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग तो दी जाएगी बट आपको ये चीज नहीं होगा कि हाँ भैया कोई लोग आपके पास रहेंगे कि हाँ भैया ऐसे ऐसे काम करना, ये चीजें करनी, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप रीच आउट तो कर सकते हो मैनेजर के साथ, वो आपके पर डिपेंड करेगा, तो द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर आपके पास 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है अगर, तो अप्लाई कर सकते हो, आपके रोल पर डिपेंड करेगा, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, आपके पैकेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें अलग अलग होती हैं। उसके बाद फिर प्रोग्राम के हाईलाइट्स जो है वो देख लेते हैं, दैट इज अ मेजर थिंग, दैट इज वर्क फ्रॉम होम जॉब है पहली चीज, तो आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद फिर ये एक अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अगर मैं अपने स्क्रीन ब्रश एक बार खोल लेता हूँ आपको देखने में ईजी रहेगा, दैट इज एक सेकेंड स्क्रीन ब्रश, ठीक है, तो ये खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो वर्क फ्रॉम होम जॉब है पहली चीज़। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से, यू कैन वर्क एट योर ओन शेड्यूल, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल निकाले, अपना शेड्यूल जो भी बोलना है वो निकाल लिया और अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अगर दिन में आपको काम करना है, रात में काम करना है, बस आपको रात लेट नाइट नहीं काम कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर ये पार्ट टाइम की तरफ भी आप उठा सकते हो, आप फुल टाइम की तरफ भी कर सकते हो, पेमेंट उसी पर डिपेंड कर रही होगी। उसके बाद फिर पे आउट विल बी डन वीकली, मतलब हर वीक आपको पेमेंट मिल रही होती है, आपको ऐसे वेट नहीं करना है महीने का, आपको बाई वीकली के बेसिस पे आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही होती है। उसके बाद एडिशनल इंसेंटिव्स रहते हैं, जो भी आउटपुट क्वालिटी वर्क और सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे उस पर डिपेंड करेगा आपके इंसेंटिव्स का, ठीक है, तो वो अलग चीज है। उसके बाद फिर आपका वॉइस बेस्ड कॉलिंग होती है कि भैया वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस है, डेटा एंट्री और वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई सेल्स प्रोग्राम नहीं है, ये नॉट अ सेल्स प्रोग्राम, एंड वॉट यू विल बी नीडेड, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल नीड अ कंप्यूटर विद इंटरनेट। उसके बाद फिर आपको एंड्रॉइड फोन एक चाहिए कि भैया आपके पास एक एंड्रॉइड, सबके पास ही होता है भैया एंड्रॉइड फोन, या एक फोन और एक कंप्यूटर तो होता है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है चलेगा, इंटरनेट सबके पास होगा ही, तो ये सारे मिनिमम, वीडियो कैसे देख रहे हो, इंटरनेट से देख रहे हो ना, तो वो सारी चीज़ आपके पास होंगी, एंड्रॉइड फोन पे आप देख ही रहोगे। उसके बाद फिर कंफर्टेबल विद हिंदी इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज एज अ मैंडेटरी, कि भैया आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। अब भैया ये नहीं घबराना है कि इंग्लिश भैया मेरे को नहीं आती है, आपको समझना है धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं, लैंग्वेज ही आप जब अडाप्ट कर लेते हो, धीरे धीरे आप सीखते हो, बोलते हो, करते हो, तो आप अडाप्ट कर लेते हो, तो इंग्लिश आपको आने लगती है, दैट इज ओनली थिंग, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ भैया एकदम हाई लेवल शेक्सपियर लेवल का होना चाहिए तभी मैं उसमें घुस सकता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, अगर आपको आती है नॉर्मल, धीरे धीरे आप बात करते हो लोगों से, धीरे धीरे कनेक्ट बनाते हो, कनेक्शन बनते हैं, बात करते हो, अपने आप वो बेटर हो जाती है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज है, दैट इज रीजनल लैंग्वेज, अगर आपके पास है, सपोज आप महाराष्ट्र में रहे हो तो आपको मराठी आती है, मराठी अगर आती है तो आपके लिए भैया एक टिक पॉइंट रहेगा, एक एडवांटेज पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, एडवांटेज पॉइंट है, वो आपके पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपको रीजनल लैंग्वेज अगर आपके दी है, मैंने देख लिया, उसके स्टडीड असाइंड जो सेलर्स होते हैं प्रोफाइल आपको देखनी है, 3 से 4 घंटे जस्ट आपको काम करना है दिन का, कोई
सेल्स प्रोफाइल नहीं है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी ये है, और अचीव यू हैव टू अचीव द बिजनेस, जो आपके टारगेट्स वगैरह रहेंगे, हर बिजनेस में डेडलाइंस होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हर एक जो भी जॉब रोल आप उठा लो, कुछ ना कुछ टास्क वगैरह मिल रहा होगा, एंड एजुकेट द क्लाइंट बेनिफिट्स ऑफ द जो आंसर सेलर वगैरह वो करना है, वो सारे बेनिफिट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी है। उसके बाद फिर आप नीचे जब जाते हो, यहाँ पे आप देखो दैट इज यहाँ पे आपको स्टेप क्लोजर, वन स्टेप क्लोजर की बात हम लोग करें तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें हम लोग टैप करने वाले हैं। अदर देन दैट आप कोई भी ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हो, कोई भी पीजी, आप 12th पास भी हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप कोई भी मैटर नहीं करते, कोई भी उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट एक्सेस आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन डेटा एंट्री में ये स्किल्स हैं बेसिकली, ठीक है। एंड ये जॉब कोड, अगर कोई काम कर रहा है पहले से इंडिया मार्ट में तो उससे आप रेफरल भी ले सकते हो, ठीक है, ये जॉब कोड है जिसको गिफ्ट दे के आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म खोलेंगे एंड देखेंगे पूरे प्रोसेस को कैसा दिखता है, क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, सेम थिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड आपको जस्ट आप घुसते तो आपको पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट होता है जो डायरेक्टली आपका होता है, 20 मिनट आपको मिल रहा होंगे, 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ सेल्फी वीडियो, आपको फॉर्मेट में क्रिएट करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म है बेसिकली, उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो आपको रिप्लाई देना, सेल्फी जैसे मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं ऐसे ही सेम आप वीडियो कहीं पे मोबाइल कहीं पे रख देना और वीडियो बना लेना। ऑडियो बस क्लियर रखना, वीडियो थोड़ी बहुत धुंधली हो रही है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए ताकि सामने वाले को एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो सुनने में, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी रखना है अपलोड करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, एंड ये इंडिया मार्ट के अंदर ही बनाया गया तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है दिस फॉर्म हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड द इंडिया मार्ट, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको लिंक वगैरह सब कुछ दिया गया था। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक वीडियो आ जाता है, दैट इज दिस वन। यहाँ पे आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ बताया गया होगा कि प्रोग्राम कैसा दिखता है, आपको अगर देखना है भैया प्रोग्राम के बारे में देख सकते हो, हर एक चीज देख सकते हो कि हाँ प्रोग्राम कैसा दिखता है, क्या चीजें हमें करनी होती है, प्रॉपरली सारी चीजें समझाई गई है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी डेफिनेटली इंडिया मार्ट। अगर आप गूगल पे जाओगे, इंडिया मार्ट सर्च करोगे, आपको मैं दिखा भी एक आइडिया दे देता हूँ इंडिया मार्ट कैसा दिखता है। एक वेबसाइट है बेसिकली, जैसे कि हम लोग क्या नाम अमेजोन वगैरह पे शॉपिंग करते हैं, स्विगी वगैरह पे शॉपिंग करते हैं, उसमें कुछ कोई लिमिटेड, यहाँ पे आपको हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स, एक ई कॉमर्स साइट है जिसपे आपको हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स, हर एक टाइप की चीजें मिल रही होती हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। इसी में आप काम करने वाले, आप सेलर्स को ये कन्विंस करना है कि इनके वेबसाइट पे आके सेल करें, ठीक है, बस ये कन्विंस करना है, तो उनका सेलर्स का तो फायदा ही है, तो आपको बस वो कन्विंस करना है लोगों को एंड उनको लेकर आना है, दैट इज द ओनली थिंग। आपको कुछ बेचना नहीं किसी को, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड यस आई हैव अंडरस्टूड द जॉब प्रोफाइल, यस आई वांट टू कंटिन्यू अबाउट द जॉब, ठीक है, यहाँ पे यस किया। उसके बाद करियर पेज से मेरे को पता चला वो यस कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है मेरे को, ठीक है, तो वो मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। दैट इज आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने समय या आपको कैसे प्रोसेस में आगे जाना है वो सारी चीजें समझते समय, ठीक है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अपना फुल मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे ये डालना, दैट इज जीमेल आईडी। जीमेल आईडी इज मैंडेटरी कि भैया आपका लाइक जीमेल आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें हमें डालनी है, बिकॉज इसी जीमेल आईडी पे आपको एचआर का रिस्पांस आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज इसका पूरा प्रोसेस जो होता है ना वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। एंड आपको ये देखना है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपके पास सेल्फी वीडियो ये सारी चीजें आप अपलोड कर रहे हो जो आपको अभी दिखाई जाएंगी, ताकि आपको पहले से पता रहे क्या क्या चीजें मेरे को अपलोड करनी है। एंड आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करना रहता है, लिंक यहाँ पे देना रहता है, वो पब्लिक रखना है, वो सारी आपको इंटरव्यू वीडियो जो मैंने बनाई हुई है ना वो सारे टास्क के बारे में बात किया गया कि अभी आपको क्या टास्क, क्या टेस्ट मिलते, क्या मॉड्यूल्स मिलते, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे पास किया, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं 18 से 21 साल के बीच में अगर हूं तो ये टैप कर दिया। उसके बाद फिर वैसे तो मैं 22 से 25 साल के बीच में, वो टैप कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मेल, आई एम ए मेल, तो वो टैप कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे कर्नाटका में अभी सेटल टू कर्नाटका डाल दिया, बैंगलोर में अभी यहाँ पे बैंगलोर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अनमैरिड एंड यहाँ पे नो आई डोंट हैव अ किड। उसके बाद फिर मेरे को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है वो टैप कर सकता हूँ। उसके बाद यस नो आई एम नॉट स्पेशली एबल, ठीक है, वो टैप कर दिया। एंड यहाँ पे अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में मेरे को डालना है कि भैया मेरी 10th की परसेंटेज क्या थी, मेरी 50 से 70 के बीच में थी, 12th की परसेंटेज भी 70 से 90 के बीच में थी, वो टैप कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, मैं अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड डाल दो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम, बिलो बेस अपने प्रोफेशन के हिसाब से, तो फ्रेशर हो तो अनएम्प्लॉयड हो गए तो वो टैप कर दिया। पास्ट एक्सपीरियंस कोई है तो वो टैप कर सकते हो, अदरवाइज फ्रेशर एक्सपीरियंस डाल सकते हो, डे शिफ्ट में इंटरेस्ट हो डे शिफ्ट डाल सकते हो, या आप कहीं पे करंटली एम्प्लॉयड, नो आई एम नॉट एम्प्लॉयड, ये पूछ रहा है आप कहीं और पे एम्प्लॉयड हो क्या, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, हो गया तभी भी नो डालना, ठीक है। उसके बाद ये डाल दिया। उसके बाद फिर डेडिकेटेड मोबाइल फोन है, यस आई हैव अ डेडिकेटेड मोबाइल फोन फॉर वर्क, यस आई हैव अ लैपटॉप फॉर वर्क, ये सब यस कर देना भैया, ये सारी चीजें, यस आई हैव ब्रॉडबैंड वाईफाई, ये सब ऐसे करके चूज करना, आपके पास नहीं है तभी भी यस कर देना, वो आपके उस पर बैटर करता है। यस आई हैव आधार कार्ड, आई हैव अ पैन कार्ड। उसके बाद यस आई हैव अ बैंक अकाउंट जिसके अंदर मेरा पेमेंट वगैरह आती है, आई एम कंफर्टेबल विद 1 week ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन। उसके बाद यस आई एम कंफर्टेबल विद द ओन मोबाइल एंड पर्पस ऑफ मेकिंग द इंडिया मार्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, या आप क्या करते हैं
मतलब और भी वीडियोस वगैरह होंगी उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आप मैं बताऊँ, ये जैसे आप कंप्लीट करते हो, जैसे मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं सारे ऐसे करके रैंडमली आपको चूज़ करके दिखा देता हूँ कि इसके आगे प्रोसेस कैसा दिख रहा होता है। जैसे आप कंप्लीट करते हो उसके सामने आपको बाद में जब एचआर का रिस्पॉन्स आता है वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं, आपने टेस्ट क्लियर किया नहीं किया। अगर मेल आता है मतलब आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा होता है, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर देता हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये सारे सही आंसर्स नहीं है पहले मैं बता दे रहा हूँ, बट आप चैट जीपीटी और मोबाइल वगैरह का यूज़ करके आप कर सकते हो। अदर देन दैट आप ईमानदारी देना चाहते हो ईमानदारी दे दो, वो आपके बेटे बहुत ही सिंपल सिंपल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे जो आप डायरेक्टली वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करनी है सेल्फी। हिंट क्या रहेगा, यहाँ पर आपको अपना वीडियो डिटेल्स डालनी, स्क्रिप्ट दिया रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ पर मैं क्या सेल्फ वीडियो आप कैसे अपलोड करो, फोन से अपलोड करो, लैपटॉप से अपलोड कर रहे हो, तो मैं फोन से अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रॉपर स्क्रिप्ट दी हुई है, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं कि हाँ भैया आपको कैसे कैसे करना है, एंड लाइक आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जब वीडियो बन जाती है तो आपको अपलोड करके गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है, एंड वहाँ से आपको ये लिंक यहाँ से निकाल के पब्लिक करना है उसको, एंड फिर अपलोड करना है। एंड यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, उसके नेक्स्ट कर दिया, अभी मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है, मेरे को एक फोटोग्राफ सबमिट करनी है। यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो रहा होता है, आपको सारी चीज़ें ऐसे करके सबमिट करनी होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ साइज़ का पंगा हो रहा है, डजेंट मैटर, मैं सबसे नीचे जाके कोई एक फ़ोटो ऐसी उठा लूँगा जो छोटी होगी, ठीक है, ये भी थोड़ी बड़ी ही फोटो है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने उठा ली है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अपलोड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसके बाद फोटो ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉर्मल फोटो होनी चाहिए, मेंशन आधार कार्ड, यहाँ पे मैंने पैन कार्ड अपना सही सही डालना, आप कुछ उल्टा सीधा मत डालना। ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, आपको अपने सारी चीज़ें अपलोड करनी है ऐसे करके। अपलोड करने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सही चीज़ अपलोड की है कि नहीं की है। यहाँ पे अपना सारा आधार कार्ड डालना है, उसके बाद फिर पेरेंट्स का वो डालना है, लाइक आधार कार्ड यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, लाइक एंटर वैलिड, यहाँ पे शायद 12 डिजिट का चाहिए होगा, तो वो डाल दिया, आधार कार्ड अपना डाल देना, उसके बाद पेरेंट का नेम डाल देना है तो मैंने वो डाल दिया, उसका एड्रेस मैंने डाल दिया, उसके बाद फिर पिन कोड मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डाल दिया दैट इज़ पिन कोड, ठीक है, ये हो गया पिन कोड अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने अपन को ये अपलोड करना है, दैट इज़ माई आधार कार्ड। अब आधार कार्ड अपलोड करने के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यू चूज़ करके अपन ऐसे कर देते हैं, दैट इज़ आई विल अपलोड लाइक दिस। अब आधार कार्ड की फोटो आपको अपलोड करनी है, एवरीथिंग यू हैव टू अपलोड, सारा अपना बैंक अकाउंट का फोटो, अकाउंट का मतलब बैंक पासबुक का फ्रंट पेज होता है उसकी फोटो, जिसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन रहता है, उससे कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, उसका आपका टेंशन ना लो। या आपको ज़्यादा टेंशन है तो भैया अपना बैंक अकाउंट का वो जस्ट अकाउंट नंबर दिख रहा हो, IFSC कोड दिख रहा हो, उतना ही बस दिखा के अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सारे डिटेल्स आप जब अपलोड कर देते हो, काफ़ी लंबा फॉर्म है, इसमें आपको सारी चीज़ें, दैट इज़ आपको मदर फादर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह डालना है वो सारी चीज़ें आप डाल देते हो। उसके बाद फिर आपका फाइनल सबमिट होता है, लास्ट पेज है, उसके बाद सबमिट हो जाता है। अब आपको ये टेंशन हो रही है कैसे करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल बी शोइंग यू कि हाँ भैया कैसे हम लोगों ने करके दिखाया। तो आप यूट्यूब पर जाओ, इंडिया मार्ट बी ए प्रोग्रामर आप जस्ट सर्च करो, इंडिया मार्ट बी ए प्रोग्रामर ऐसे करके, आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो डायरेक्टली आप देख सकते हो। इसमें अच्छे अच्छे लोग मतलब काफ़ी लोगों ने ट्रिक्स बताएं, टिप्स बताएं, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, किसी भी वीडियो को आप खोल लो सारे टिप्स ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं काफ़ी लोगों के साथ, वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स की बात की है, कैसे कर सकते हो, कैसे टेस्ट नहीं क्लियर हो पहली बार में, फिर क्या करना है, ऑफर लेटर कैसे वो कर सकते हो, हैक्स ट्रिक्स के बारे में, ये वीडियो काफ़ी अच्छी, इसमें हम लोगों ने काफ़ी हैक्स ट्रिक्स के बारे में बात की है, तो ये आप जरूर देखना। चिराग कारला इनका नाम है जिसे हमने वीडियो बनाई थी, आप जस्ट ये कीवर्ड आप सर्च करो यूट्यूब पर, आपको वो वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी मेरे चैनल की, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी वीडियो थी। अदर दन दैट हमारे देसी मास्टर पर जाओ, जिसमें आपको और भी वीडियोज़ और भी चीज़ें मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली अपलोड वो कर सकते हो, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफी ढेर सारे वर्क फ्रॉम जॉब्स, काफी ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जो हम लोग अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पे भी, करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, काफी चीजें लेकर आते हैं, काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आपको हेल्प होती है एंड आपको चीजों का प्रोसेस का पता चल रहा होता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज में घुस सकते हैं। उन सारी चीजों के ऊपर आप चैनल पर और लेटेस्ट वीडियोस देखो, या इंटरव्यू एक्सपीरियंस की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें अबाउट 70-75 वीडियोस आप जो भी सर्च कर रहे हो आपको डेफिनेटली उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो डेफिनेटली वो एकदम हम लोग उसको बिल्ड भी करते रहे हैं, धीरे धीरे वीडियोस बढ़ती जा रही हैं, लोगों को ले आके इंटरव्यूज हम लोग लेते रह रहे हैं, डेफिनेटली वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी वीडियो, ये सारी चीजें, अदर देन दैट हमारा एक मजेदार चैनल भी है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिसपे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं, अपने घूमने फिरने से वीडियोज अपलोड करते हैं और दोस्तों से मिलाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, काफी चीजें आपको मजा आएगा, एक्सपीरियंसेस वहां पे काफी शेयर करता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डेटा इंजीनियर में तो वो उससे रिलेटेड काफी चीजें लाते रहते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हो, कुछ पर्सनली मेरे से पूछना, कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मेरे को रीच आउट कर लो, कॉन्टैक्ट कर लो वहाँ पे, डेफिनेटली आई विल बी रेडी टू हेल्प। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी चीज़ें अपन लेके आते होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।